मेरे पास तुम हो सुनो चंदा एनी की आएगी बारात अहद वफा रसवाई। और ये दिल मेरा जैसे ड्रामों में मजबूर वालिद के किरदार अदा करने से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार मोहम्मद अहमद खान ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री सिर्फ तीन अफराद के सींगों पर खड़ी है। सीनियर अदाकार के मुताबिक मस्कूरा तीन अफराद ज्यादती तलाक और नाजायज़ ताल्लुकात पर अपनी सींग जमाए खड़े हुए हैं और इन्हीं मौजूदात पर ज्यादातर ड्रामे बन रहे हैं। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद अहमद ने कहा है कि अगर उन्हें इंडस्ट्री को बदलने का एक मौका दिया जाए तो वो इंडस्ट्री में काम करने वाले अफराद की सिर्फ सोच बदलेंगे। मोहम्मद अहमद का कहना था उन्हें अपना मुस्तकबिल भी अजीज है, इसलिए वो इन तीन अफराद का नाम नहीं बताएंगे। मोहम्मद अहमद ने मजीद बताया कि उन्हें हर ड्रामे में मजबूर वालिद का किरदार दिया जाता है और उन्हें तकरीबन हर ड्रामे में मरना ही पड़ता है। उन्होंने बताया कि अब वो ड्रामा साजों से काम करने से पहले ही दरियाफ्त करते हैं कि उन्हें कौन सी किस्त में मरना है। मोहम्मद अहमद ने इंकशाफ किया है कि जल्द ही इनका एक ड्रामा औलाद नशर होगा जिसमें इनकी मौत नहीं होगी। ताहम मस्कूरा ड्रामे के बाद एक और ड्रामा चलेगा जिसमें एक बार फिर उनकी मौत दिखाई जाएगी। ड्रामों में अपनी मौत को दिखाए जाने पर मोहम्मद अहमद ने मजीद बताया कि ड्रामों में हीरोइन को कमज़ोर और मजलूम दिखाया जाता है, इसलिए इसे कमज़ोर करने के लिए इसके सहारे छीन लिए जाते हैं जिस वजह से ड्रामों में इनकी मौत हो जाती है। उन्होंने इतराफ़ किया है कि उन्हें ज़्यादा तवज्जो फिल्म केक से मिली जिसके बाद वो मुतअद्दिद ड्रामों में हीरोइंस के वालिद बनने लगे। अब लोग उन्हें एक वालिद का किरदार अदा करने वाले अदाकार के तौर पर जानने लगे हैं जिन्हें तकरीबन हर ड्रामे में मरना होता है। उन्होंने माजी में डिप्रेशन का शिकार होने का इंकशाफ भी किया और बताया कि माजी में उन्हें ड्रामे लिखने में मुश्किल पेश आई और उन्हें लोगों को यकीन दिलाना पड़ा कि वो अब भी लिख सकते हैं। मोहम्मद अहमद के मुताबिक उन्होंने हाल ही में फिल्मसाज महरीन जब्बार के लिए एक स्क्रिप्ट लिखा, ताहम उन्हें एहसास है कि महरीन जब्बार के मनसूबों को सरमायाकार मुश्किल से ही मिलते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने ड्रामा साज नदीम बेग के लिए भी एक स्क्रिप्ट लिखा है। एक और सवाल के जवाब में मोहम्मद अहमद ने बताया कि वो बेटों के वालिद हैं, इसलिए इनकी अदाकारी में भी अच्छे वालिद की झलक नजर आती है। उन्होंने भी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें मजाहिया किरदार अदा करने की ख्वाहिश है। याद रहे कि मोहम्मद अहमद ने बतौर लिखारी करियर का आगाज किया था, ताहम उन्होंने ड्रामे और फिल्में लिखने समेत अदाकारी में भी जौहर दिखाए और साथ ही वो शायरी भी लिखते रहे। मोहम्मद अहमद ने निस दर्जन फिल्मों में भी काम किया जिनमें रामचंद पाकिस्तानी, मेहरुनिसावी, लव यू, पंजाब नहीं जाऊंगी, केक और लाल कबूतर भी शामिल हैं। मोहम्मद ने पाकिस्तान के मकबूल तीन ड्रामों में भी किरदार अदा किए। इनके मकबूल ड्रामों में मेरे पास तुम हो, सुनो चंदा, एनी की आएगी बारात, अहद वफा रसवाई और दिल मेरा, जलन और सबात शामिल हैं। मजीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।